अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं दिल्ली के पश्चिमपुरी के अंदर और हम उस महान शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए अपना पूरा संपूर्ण जीवन लगा दिया है, शांति स्वरूप बाजी। शांति स्वरूप जी, पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस चैनल के पक्ष में। आप देश विदेश सब जगह जाते हैं और बहुजन समाज के बहुत बड़े चिंतक भी हैं, लेकिन अभी जो चिंता का विषय वो ये है कि लोकसभा के चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं और हाल ही में गठबंधन हुआ था और गठबंधन 4 से 6 महीने भी नहीं चल पाया और बहन जी ने उसके ऊपर एक अपनी क्रिया दी कि अभी गठबंधन हमारा नहीं रहा है, लेकिन बहन जी ने बोला था कि हमारा गठबंधन भी रहा है लेकिन गठबंधन से अलग होकर उन्होंने विधानसभा के 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करी है। तो कहाँ तक ये स्टेटमेंट उनका सही है गलत है उसके बारे में बताएं। अब बहन जी के बारे में हम क्या कहें कि उनका सारा जीवन इस आंदोलन में लगा हुआ है जी। असलियत ये है, एक कहावत है हमारे दिल्ली में कि गरीबी में आटा गीला। एक तो गरीबी, आटा ही बड़ी मुश्किल से मिला, उसमें ज़्यादा पानी पड़ गया, अब उसको सख्त करने के लिए और आटा कहाँ से आए। तो वो स्थिति जब विपरीत समय होता है वहाँ पर एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। बहन जी की नियत पर हमें तो तनिक भी शक नहीं है क्योंकि उनके साथ उनका एक लंबा अनुभव है, उनकी एक अपनी दृष्टि है, पैनी दृष्टि है, दूर दृष्टि है। हाँ, फिर भी जो कुछ हुआ वो अप्रिय था। बात कोई भी आपने अपनी कहनी तो बहुत तरीके से कही जा सकती है। आज मैं मानता हूँ ये जो विवाद बयानबाजी का निरर्थक है। या तो आप ईवीएम की लड़ाई मत लड़ो, या तो आप ईवीएम को ब्लेम मत दो, और अगर ईवीएम को आप जिम्मेदार मानते हैं तो फिर ये बाकी अपने बीच में झगड़े मत लगाओ। आज सबको पता है कि इस देश के बेईमान शासकों ने ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन जीते हैं। आज दुनिया के लोग, बड़े बड़े एक्सपर्ट सामने आकर मशीनों को बना बना कर लाए, हैक करके दिखा रहे हैं और कहां से वो सेट होकर के कैसे आते, सब कुछ बता रहे हैं। मगर फिर भी मेरे मान्यता ये है कि उन्होंने ईवीएम हैक करने से ज़्यादा जो एक काम किया अपने पक्ष में वो ये किया है कि हमारी सारी पीढ़ी का दिमाग हैक कर लिया। हमारी जितनी युवा पीढ़ी है, आप ज़रा ईमानदारी से अपने आसपास रिश्तेदारियों में, परिवारजनों में नज़र दौड़ा कर देखो तो पता चलेगा कि आज वो जो हिंदुत्व के नाम पर एक शक्ति दिख रही है, वो जो आप जो लोगों को भारत माता की जय करने के लिए मजबूर कर रही है, वो भीड़ जो जय श्री राम के नारे लगा करके कुछ भी करने को तैयार रहती है, वो कौन है? वो सब हमारे ही बच्चे हैं। ये दुखती रग है, इस पर बात करते हुए कलेजा मुंह को आता है। कारण क्या है कि ये पराक्रम हम लोग नहीं दिखा पाए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद हमने समाज बनाने की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया, खुद के बैंक बैलेंस बनाने लगे, अपने बच्चों का करियर बनाने लगे और बात दलितों की और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की करने लगे। यही हमने सबसे गलत काम किया। आज भी को ज़्यादा देर नहीं हुई है, पराक्रम दिखाना पड़ेगा। पराक्रम दिखाने का मतलब क्या है कि आपको अपने बच्चों को समझाने के प्रोग्राम देने पड़ेंगे, उनके बीच में जाना पड़ेगा। खाली दो कामों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, रैली करनी ना, अगर इन्हीं से सारा काम हो गया होता तो ये दूसरे जो शासक जातियां हैं, यद्यपि उनका वो ड्रामा है कि वो गुफाओं में जाके तपस्या कर रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं, ये हवन कर रहे हैं, यहाँ शिवलिंग पर नाक रगड़, ये सब ड्रामा है आम बच्चों को, भक्तों को ये दिखाने के लिए कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। वो काम तो सारा बेईमानी का, काम तो सारा षड्यंत्र का, मगर जिनके दिमाग उन्होंने हैक किए हुए हैं, जिनको भक्त बना दिया गया और भक्त भी ऐसा बना दिया गया, ऐसा बड़ी ऊँची पदवी है भक्त, और आज आतंक का पर्याय हो गया। भगवा शब्द तो भगवान बुद्ध के लिए है, आज भगवा आतंक का पर्याय हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें, जैसे बहन जी से जो उम्मीद है वो ये है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, मगर अब वो अपने निर्णय से ये सिद्ध करेंगी कि दलित और पिछड़ा आंदोलन की एकता के बगैर कभी भी इस देश में हमारी आवाज़ बुलंद हो नहीं सकती। हमारा आंदोलन
चाहे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी और बम्बई में इलेक्शन लड़ा था, वहाँ 17 मेंबर उनके जीते थे कांग्रेस के विरोध में, और उस वक्त बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी को अपोजिशन का लीडर बनने का भी एक सदवसर मिला था। वो दिन है सो आज है, उसी दिन से इस देश की साक्षर जातियाँ हमको तोड़ने में लगी हैं, हमारे लोगों को खरीदती हैं, उनको लालच देती हैं, उनको डराती हैं, उनको पथ भ्रष्ट करती हैं, उनको बहलाकर फुसलाकर उनकी झूठी वीडियो बना करके उनको फंसाती है। ये सारे काम वो हमारे साथ करते हैं और हम लोग ऐसे भोले भंडारी हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे एक काम तो करो, तुम जो घर घर में अपना झंडा ले लेकर अलग निकल जाते हो, तुमने संस्थाएँ बनाई, मैं संस्थाओं के खिलाफ नहीं हूँ, एक बात बता दूं, संस्थाएं वहां भी बहुत सारी हैं, हजारों संस्थाएं आरएसएस की जो आपको पता भी नहीं चलेगा ये आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, मगर वो जब उनके ऊपर संकट आता है और किसी लक्ष्य की प्राप्ति का समय आता है सब एकजुट हो जाते हैं। हम कहते हैं ना ये पांच उंगली बराबर नहीं होती, अरे आप खाना जब खाने बैठते तो पाँच उंगली बराबर हो जाती है ना, जब आपको खाना खाना हो, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी हो, तो आपको संगठन का परिचय देना पड़ेगा, पाँच उंगलियों को बराबर करके दिखाना पड़ेगा, तब जा करके इस देश की स्थिति बदलेगी। आप उनसे सीखते क्यों नहीं, क्या दिक्कत है, दुश्मन से भी आपको अच्छी बात है तो सीखनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ अडवाणी जी का, अडवाणी जी क्या अपमानित नहीं हुए, अडवाणी जी क्या उपेक्षित नहीं हुए, अडवाणी जी को क्या नज़रअंदाज नहीं किया गया, मगर एक अडवाणी है जो अपनी विचारधारा पर अटल रहे, ना उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की, वो कहीं कहीं मौन रह करके आंसू जरूर बहा देते थे, अपने रुमाल से आंखें पूंछ से जरूर आते थे, मगर ना उन्होंने पार्टी छोड़ी, ना उन्होंने पार्टी तोड़ी, ना उन्होंने नई पार्टी बनाई, ना किसी दूसरी की पार्टी में गए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हीं के साथ लगे रहे। जो उनको अपमानित कर सीखो उनसे, तो हमारे यहाँ तो क्या है, अरे मैं वहाँ गया था उसके सामने तो बिस्कुट की प्लेट सरका दी और मुझे तो पूछा भी नहीं, अरे बिस्कुट, तुम तो अगर ये बिस्कुटों का स्वार्थ छोड़ दो, अपने महत्व का स्वार्थ छोड़ दो, मान सम्मान का स्वार्थ छोड़ दो, तो तुम दुनिया में सब कुछ देने वाले तुम्हें बनोगे, तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस देश में पत्ता तक नहीं लेगा, मगर फिर कह रहा हूँ पराक्रम दिखाना पड़ेगा। आप आज बहन जी को, अखिलेश को साथ आना पड़ेगा, उसके बगैर कोई बात बनती नहीं है। कल मैंने यद्यपि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मगर हाँ फेसबुक या जरूर हूँ, फेसबुक पर नज़र डालनी ही पड़ती है, क्योंकि उसमें हमारे काम की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चित्रकार भी हूँ, उसका भी उसका हमें बड़ा लाभ बनता है। इसलिए अभी जो कल एक स्टेटमेंट आया है आकाश आनंद के माध्यम से, वो बड़ा उत्साह बढ़ाने वाला है। वो जो ये जितनी भी खबरें फैल रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं, उन पर विराम लगाने वाला है और अपने भविष्य को अपने अनुकूल बनाने की दृष्टि से उसका बड़ा महत्व है। तो आज हम सबको गिले शिविर के को, देखो एक पुरानी कहावत है, जब जहाज डूबने को होता है कहते हैं सबसे पहले चूहे भागते हैं, टिकते कौन हैं, बाबा साहब जैसे। एक बार वो जा रहे थे पानी के जहाज में, ये खैर मोड़े जी ने अपने 8वें खंड में लिखा है कि तूफान आया, क्योंकि जब पानी का जहाज़ जाता है तो बीच बीच में तो ऊपर जब हम जहाज़ में उड़ते हैं तो वहाँ भी कई बार झटके आते हैं, जब मौसम ख़राब होता है तो जो लहर चलती है हवाओं की वो जब बहुत प्रबल होती हैं तो धक्का मारती हैं जहाज़ को, तो पता चलता है कि भाई जहाज़ गिरा अभी, ऐसा हुआ। तो पानी के जहाज़ में जब तूफान आया तो अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा, ये सब लोगों का ध्यान गया कि ये एक आदमी अजीब मिट्टी का बना है, इस पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा, ये अपने किताब पढ़ रहा है और पढ़े ही जा रहा है। थोड़ी देर में तूफान शांत हुआ, जहाज का डगमगाना थम गया, तो उनके आसपास जो लोग अपनी जान बचाने के लिए चिंतित थे उन्होंने कहा भाई क्या बात थी, क्या बात थी यार, तुम तो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। तो बाबा साहब ने कहा अगर मैं टस से मस हो जाता मैं भी आपकी तरह रोता चीखता भागता दौड़ता तो क्या उससे अनहोनी टल सकती थी, नहीं टल सकती थी। तो इसलिए दृढ़ संकल्प वाला बनना है, मेरे बच्चों को कहना यह है कि ये जो सामयिक घटनाएं आती हैं, कभी दुखद घटनाएं कभी हद से ज़्यादा सुखद घटनाएं, इनमें कभी भी विचलित नहीं होना है, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है। और एक याद रखो, इस देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर आप मिलकर नहीं चलेंगे तो आप तबाह हो जाएंगे। आज अकेले बैकवर्ड कुछ नहीं कर सकते, अकेले शेड्यूल कास्ट कुछ नहीं कर सकते,
अकेली माइनॉरिटीज कुछ नहीं कर सकती, अकेले आदिवासी कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करना है, इस देश को अपने अनुकूल बनाना है, तो आपको पराक्रम दिखाना है, और पराक्रम ये दिखाना है कि आप अपने वर्ग को अपनी विचारधारा से जोड़ने का काम करें। आज जो विद्वान हैं उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी पिछले दिनों कई हमारे विद्वान जब चले गए, क्योंकि एक विद्वान एक दिन में नहीं बनता, एक विद्वान एक किताब पढ़ने से नहीं बनता, सारी जीवन खपाने के बाद उसके पास विद्वता आती है, मगर जब वो जाता है तो देखते देखते हमसे विदा हो जाता है, मगर उनके बदले में नया कोई विद्वान बने ऐसा कोई माहौल बन नहीं रहा। सब बौंदोगिरी, सब तरफ व्यंग चल रहे हैं, सब तरफ एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जा रही है, सब तरफ एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने का माहौल है। ये थमना चाहिए, और जिस दिन ये थम जाएगा हम इस देश के शासक बनने के मार्ग पर अग्रसर होंगे। और ये जो 144 खंभों पर पार्लियामेंट खड़ा है, इस पर जब तक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का व्यक्ति या बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ मिलकर जब तक इस अंदर सत्ता में नहीं जाएंगे, इस देश को, इस देशवासियों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। इसी तरीके छल छंद कपट चलता रहेगा, वो आपको प्रगति का झांसा देते रहेंगे और दुर्गति आपकी करते रहेंगे। सत्ता ने, यहाँ के शासकों ने दुर्गति का नाम प्रगति रख लिया है, ये उनका एक चालाकी भरा कदम है, हमें इनसे भी बचना है, और अपना भविष्य संवारना हमारे खुद के हाथों में है। अत्तदीपो भव, आप अपना दीपक आप बने, ये बुद्ध की वाणी है, उसके अनुसार हम चलेंगे तो अपने भविष्य को अपने अनुकूल बनाएंगे। धन्यवाद। आप थे हमारे साथ शांति स्वरूप बौद्ध जी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया है कि जो बहुजन समाज की सुप्रीमो हैं बहन कुमारी मायावती, उन्होंने गठबंधन नहीं तोड़ा है, और उन्होंने कोई अगर ऐसा डिसीजन लिया भी है तो बहुत अच्छे से लिया है, आगामी सोच के लिए लिया है, और गठबंधन बिल्कुल नहीं तोड़ा है। आगे आने वाले टाइम के अंदर दोनों पार्टियाँ साथ रह के इलेक्शन लड़ेंगी। हमारे चैनल से बात करें इसके लिए धन्यवाद साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।